वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इट्राकाना जोल दवाई के बारे में। ये कैप्सूल के रूप में दवा आती है मार्केट में, तो इसे इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की जो कैप्सूल आती है उसके यूज की, साइड इफेक्ट की, प्रिकॉशंस की, डोज की, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। इट्राकानाजोल दवा की बात करें तो ये एंटी फंगल दवा है, फंगस को मारने के काम में आती है। कैप्सूल के रूप में बाजार में मिलती है या तो सिरप के रूप में भी उपलब्ध है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी की 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। जो इंडिया में एक प्रमुख नाम है जो इस साल्ट को बेचते हैं या बहुत बिकती है वो है कैंडी फोर्स है, इट्रालेज है, आईटी मैक है, इट्राबैक है या इट्रानाज, ये प्रमुख नाम है और भी तमाम तरह के नाम से मार्केट में ये कैप्सूल उपलब्ध है। तो इट्राकानाजोल दवा की बात करें तो एंटी फंगस दवा है और ये जो फंगस का इन्फेक्शन चाहे सुपरफिशियल हो, स्किन के अंदर हो, नाखूनों में हो, इसके अलावा अंदर के जो आर्गन होते हैं जैसे कि फेफड़ा हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इन सब के भी फंगल इन्फेक्शन है उस पर भी काम आएगा। तो जैसे किसी को दांत खाज खुजली होती है या नाखून में फंगस का इन्फेक्शन लगता है या पैर के नाखून में लगता है, इसके अलावा मुंह के अंदर कैंडिडा का इन्फेक्शन है, वजाइना के अंदर या गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन शरीर के दूसरे अलग हिस्सों में हो सकता है, इसके अलावा ब्रेन में है, एस्पर्जिलोसिस है, क्रिप्टो काकस इन्फेक्शन है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये फेफड़े वगैरह में होता है, तो उन सब कंडीशन में दिया जाता है। और ये ऐसे मरीजों में प्रोफाइलेक्सिस के लिए जिनमें फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे किसी ने लीवर किडनी का ट्रांसप्लांट कराया है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कराया है, तो उस समय फंगस होने का खतरा रहता है, तो ऐसे प्रोफाइलेक्सिस दे दिया जाता है कि फंगस का इन्फेक्शन ना होने पाए। या ऐसे मरीजों में जिनको कैंसर रहता है, कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो शरीर कमजोर रहता है तो फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। एचआईवी के पेशेंट में इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहते हैं तो उनमें प्रोफाइलेक्सिस के रूप में ये इट्राकानाजोल जो दवाई है वो दी जा सकती है। कितना डोज में लेना है, कैसे लेना है, तो एडल्ट के लिए 200 मिलीग्राम सुबह शाम रहती है, दिन में दो बार, ज़्यादातर बार खाना खाने के बाद लेना है। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरीके से रहता है। कई बार दिन में एक बार भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का फंगस का इन्फेक्शन और शरीर में कहाँ का इन्फेक्शन है। कुछ कुछ इन्फेक्शन में 6 महीने, 8 महीने ऐसा भी हो सकता है, जैसे नाखून के इन्फेक्शन में ज़्यादा समय लगता है, तो इस बात को ध्यान रखें कि ये थोड़ा ज़्यादा दिन तक ये एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वैसे ही अगर ये इट्राकानाजोल दवाई आपको चलेगी तो थोड़ा सा लंबी चलेगी। अपने मन से ना बंद करें कि आपने एक हफ्ते खाया और आपको आराम नहीं दिखा तो आपने बंद कर दिया। अब ये दवा कैसे काम करती है, इट्राकानाजोल दवा की बात करें तो जो फंगस होता है उसकी ऊपर की जो कवरिंग होती है, सेल वॉल होती है, उसको ये बनने नहीं देती, उसको खराब कर देती, इससे फंगस मर जाता है। दवा लेने से जो प्रमुख साइड इफेक्ट है अगर उसकी बात करें तो पेट में दर्द होना, दस्त लगना, इसके अलावा उल्टी लगना, जी मचलाना, इसके चक्कर आ सकता है, ज़्यादा इसमें थकान लगती है, नींद लगती है, सिर दर्द हो सकता है, इस तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। और दो सीरियस साइड इफेक्ट है, एक तो लीवर का एंजाइम बढ़ता है इसलिए लीवर डैमेज हो सकता है, और हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो रिड्यूस करता है, उसके जो इजेक्शन है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है, कहने का मतलब है कि ये हार्ट फेलियर करा सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी कराती है, इसलिए ऐसे लोग जिनका हार्ट कमजोर होता है या लीवर फेलियर, उस कंडीशन में नहीं दी जाती। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी के समय भी ये दवा इट्राकानाजोल को नहीं देना है क्योंकि बच्चे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है या कॉशन है कि इन कंडीशन में नहीं देना है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहना। अगर ये दवा इट्राकानाजोल की कैप्सूल चल रही है, लंबे दिन से चल रही होगी, तो उस कंडीशन में लीवर पे ध्यान देना है कि कहीं लीवर तो नहीं खराब हो रहा है। लीवर खराब होता है तो पीलिया का हो जाना या इसके अलावा भूख नहीं लगना, वजन का कम होना, इस तरह के लक्षण आते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये सब ध्यान रखना है कि लीवर तो नहीं डैमेज हो रहा है। और इसके अगर कीमत की बात करें तो ये जो ब्रांड पे डिपेंड करता है अलग अलग, जैसे 200 मिलीग्राम वाली अगर एक कैप्सूल लेंगे आप तो एवरेज जो प्राइस होगी 25 रुपये होगी, और दिन की दो चलेगी तो एक दिन की जो कीमत हो जाएगी 50 रुपये हो जाएगी। हालांकि थोड़ा थोड़ा सा रेट में डिफरेंस रहता है। तो ये जो इट्राकानाजोल कैप्सूल है ये फंगस को मारने के लिए प्रमुख दवाइयों में से आती है। ज़्यादातर फंगस के लिए जो स्किन में इन्फेक्शन होता है उसमें लगाने की दवा आती है, और जो खाने की कुछ दवाइयाँ आती है उसमें इट्राकानाजोल प्रमुख दवा है जो कैप्सूल के रूप में आती है। तो उसके ये कुछ यूज और ये साइड इफेक्ट वगैरह हो गए।
उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा अगर किसी को यह दवा चल रही होगी, कोई इस दवा के बारे में जानना चाह रहा है तो। थैंक यू।